राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर, समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया राजकीय स्वागत। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के विज्ञान पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव ने कहा, विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है भारत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल। सवारियों को लेकर निकली कोरोमंडल एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने कहा अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता में नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल ने रिकॉर्ड को तोड़ा कार्लोस अल्कराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम पहुंच गए। यहां उनके समकक्ष ने राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू आज सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेगी। बाद में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का वो दौरा करेंगी। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। उनकी यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं और संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की आज मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। आज उनकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ने सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर चर्चा की। ऑस्टिन की यात्रा पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से 2 हफ्ते पहले हो रही है, लिहाजा उनका यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ इसके साथ बातचीत से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और बात ओडिशा के बालासोर में की, जहां पर हुए रेल हादसे की। शुक्रवार शाम को 3 रेलगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर के बाद कल शाम से अप और डाउन लिंक दोनों ही तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो आज सुबह की है। ये वही जगह है जहां 3 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसके बाद से कर्मचारी लगातार दिन रात रेल ट्रैक को ठीक करने में जुटे हुए थे। इस रूट पर कल रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि बुधवार सुबह तक रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार दुर्घटनास्थल पर मौजूद हुए हैं। इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है, टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। और बालासोर में अप और डाउन ट्रैक रिस्टोरेशन के काम के बाद इस रूट पर पहली बार आज कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी है। हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाली कोरोमंडल ट्रेन की नई सवारियों के साथ दुर्घटनास्थल से पहली बार गुजरते हुए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने की खास कवरेज। ये आवाज सुन रहे हैं आप, ये आवाज ही आपको बता सकती है कि इस रूट पे किस तरीके से ट्रेन की जो है वो बहाली शुरू की जा चुकी है। ये ट्रेन ये अप लाइन है जो कि यहाँ से कोलकाता से होके पुरी के लिए जा रही है। और हमारे सामने जो है चेन्नई मेल यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस, देखिए जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसी की नई रैक जो है ये यहाँ से जा रही है। जो भीषण हादसा हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस का उसके जगह पर इस नए कोच को जो यहाँ पे लगाया गया है। और ये ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस अब इस रूट पर दुर्घटना के बाद पहली बार आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल से जो है वो अब इसके नए रैक जो है वो चेन्नई के लिए रवाना हो रही है। तमाम जो पैसेंजर्स यहाँ पर फंसे हुए थे वो सभी पैसेंजर्स कलकत्ता हावड़ा से लेकर के शालीमार स्टेशन से लेकर के जो चेन्नई जाने वाले थे उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, पूरे साउथ के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ट्रेनों के आवागमन को इस रूट पर जो ये डाउन लाइन का यानी कि हावड़ा जा रहा है इसे भी सुचारू किया जा चुका है। सिर्फ 51 घंटे में, महज 51 घंटे में जो रिकॉर्ड टाइम है इसे पूरा किया जा चुका है। और ये खास तस्वीर है, ये बहुत खास तस्वीर है, खास तौर पे इसलिए कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कैजुअल्टी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए, इसी जगह पर तकरीबन 128 किलोमीटर की रफ्तार से वो टकराई थी मालगाड़ी से। और उसके बाद बैंगलोर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस से डिरेलमेंट के कारण टकराई जिसमें इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई, इतने लोग जो है घायल हुए। ये तस्वीर में देखिए आप पैसेंजर्स भी जो है ट्रेन के अंदर वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तमाम इस ट्रेन को बहुत ही चर्चित ट्रेन है ये साउथ के लिए, राजधानी का दर्जा इसे दिया जाता है। इसके सुपर फास्ट स्पीड को लेकर के हो या फिर इसकी जो टाइम टेबल को लेकर के, ये ट्रेन बहुत ही खास है। और ये पहली तस्वीर है कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप दूरदर्शन न्यूज़ पे देख रहे हैं। इस लाइन को 51 घंटे के अंदर रेल मंत्री यानी रेल के मुखिया खुद स्वयं जब इस पूरे अप और डाउन के रूट को जो है उन्होंने चालू किया, उसके बाद से कई ट्रेनों का आवागमन हुआ, लेकिन ये पहली तस्वीर कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप दूरदर्शन पर देख रहे हैं। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। जी हाँ, लगातार बालासोर से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। दुर्घटनास्थल के नज़दीक जिनका सबसे पहला घर है यानी इस घटना के पहले चश्मदीद, उनसे बात की अभिषेक ने। आइए देखिए खास रिपोर्ट। जो जिन लोगों को निकाला उनको घर पे लेके आए, घर पे लेके आए, वहाँ पानी फानी पिलाए। इतना ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ था, यहीं पे एक आदमी मतलब इसको लेके आए, यहीं पे बैठे बैठे 10 या 15 मिनट के अंदर यहीं पे मर गए वो लोग, चोट की वजह से। जी, मतलब सर पे चोट लगा था तो यहीं पे वो मर गए। फिर आप क्या बोगी के अंदर गए? बोगी के अंदर कैसा था? मतलब वो सब टूटा फूटा पड़ा था। उसको मतलब बहुत मुश्किल से, और शीशा तोड़ के फिर एसी बगी में शीशा तोड़ के अंदर फिर जाके ये करना पड़ा। मेरा एक भतीजा है, उसका पैर में चोट लगा है, इतना सा मतलब यहाँ पे पूरा कट गया, अभी हॉस्पिटल गया है, उसको ड्रेसिंग करके आएगा अभी। मतलब काफी विभत्स बन गया, काफी विभत्स, उसको मतलब बयान नहीं कर सकता मैं। जी, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने अपने आँखों से देखा इस एक्सीडेंट को। पहला घर है इनका इस ट्रैक के बाद, और इन्होंने इस जो ये दर्दनाक हादसा रहा उसे शायद ये बया भी नहीं, वो सोचना भी नहीं चाहते कि कितना बड़ा ये हादसा था। वो कहते कि भगवान ना करे ऐसा दिन किसी और को देखना पड़े, लेकिन स्थानीय लोगों की जो मदद है वो काबिले तारीफ़ है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बालासोर। और उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर भारत के प्रति दुनिया भर से जिस तरह से एकजुटता और सहानुभूति देखने को मिल रही है उस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है। नामीबिया में उन्होंने कहा कि विश्व हमारे पक्ष में खड़ा है। मैं आपको ये कहूँगा कि दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपति भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त
जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन बनाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, पर्यावरण मंत्री ने मिष्टी द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम स्कीम भी लॉन्च की। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म अल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत ने 2022 में प्लास्टिक को, सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया। और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। पर्यावरण दिवस पर बीजेपी हेडक्वार्टर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया। 5 जून को हर साल यह दिन मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर न सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि बीजेपी भी हमेशा सक्रिय दिखती है। प्रयागराज में संगम के तट पर एक पृथ्वी और बन गई है। जी हां, आज पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर सैंड आर्टिस्ट अजय और मनोज ने रेत से 15.24 मीटर के गोले में पृथ्वी की आकृति बनाई है, जिसमें 120 फीट लंबे और 40 फीट चौड़ाई वाले हिस्से में अंग्रेजी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लिखा है। अपनी सैंड आर्ट के जरिए इन कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की। और आपको बता दें कि भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के अटारी में रोका और मार गिराया। ड्रोन के जरिए 3.2 किलोग्राम की हीरोइन बरामद लेकर की गई है और बीएसएफ को पिछले 2 से 3 दिनों से ये इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हीरोइन की तस्करी करने की कोशिश की जा रही है। और इसी इनपुट के आधार पर सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए कल रात एक ड्रोन और 3.1 किलोग्राम हीरोइन जब्त की। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी इसी पुल का यही हिस्सा गिरा था। इस पुल के गिरने के बाद आज सुबह की एक तस्वीर भी सामने आई है। लोगों का कहना है कि अभी पुल पर गाड़ी भी नहीं चली, अगर गाड़ी चलेगी तो पता नहीं क्या होगा, लिहाजा इसकी जाँच होनी चाहिए। यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कल रात इस पुल के गिरने का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर किसी की आंखें खुली रह गई। इसके बाद से बिहार सरकार का कामकाज भी सवालों के दायरे में आ गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। 5000 से ऊपर आदमी पहुंच गया यहाँ पे। घायल कोई हुआ? घायल नहीं हुआ है। घायल कोई नहीं। क्या लगता है, पुल चालू रहती तो संख्या होती घायलों की? हाँ, तो यदि वहाँ आदमी रहता तो घायल तो पूरा होता। वो आदमी हटा दिया गया पहले। सुन करके जो है ना, बहुत ही ताज्जुब लगा। जैसा लगा कि जैसे जो है ना, ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे। बहुत ही भयानक स्थिति है।
देखा कि छोटा सा एक टुकड़ा गिरा, उसके बाद जब मैंने देखा कि छोटा सा टुकड़ा गिरा, आवाज हुआ तो हम देखे कि पाया क्यों धस रहा है, तो इधर एक धस गया, उसके बाद 3 मिनट के अंदर सब गिर गया पूरा। बगल में नाव लगी थी, गंगा घाट जो नाव चलती है, वो नाव में आदमी सब उथल पुथल करने लगा, आदमी चिल्लाने लगा, उसके बाद देखे इधर उधर भागने लगा, हम लोग जाके उसका सहारा दिया कि भाई रुकिए, नाव बंधा हुआ था इसलिए कुछ नहीं हुआ, नाव में पूरा बेग चल रहा था पानी में। पिछले साल यही 5 नंबर पाया गिरा और जिसमें सेगमेंट खाली गिरा था, ये पाया रह गया था और सब टूट के बिखर गया, अभी तो सब पाया था सब टूट गया। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैदराबाद में तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए डेलीगेट्स ने आज पाला पिटा साइकिलिंग पार्क में सुबह साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ने भी डेलीगेट्स के साथ साइकिल चलाई और कहा कि साइकिल न केवल पर्यावरण को बचाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जब G20 का डेलीगेशन हैदराबाद में है और आज पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो हमारे G20 के इस पूरे डेलीगेशन के इंचार्ज जो लव अग्रवाल जी हैं, आज इस पार्क में हम लोगों ने अपने विदेशी भाई बहनों के साथ जो G20 के मेंबर हैं यहाँ साइकिलिंग करके ये संदेश देने का काम किया है कि इस समय देश को सबसे बड़ा खतरा गिरते हुए भूजल स्तर से, ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़े करंट इशू हैं, तो पर्यावरण को बचाना है, हमें हिमालय को भी बचाना है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ओपेक प्लस से जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठक के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि वह तेल की गिरती कीमतों पर काबू के लिए इसके उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। सऊदी की ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में इसका खुलासा किया। उन्होंने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। सऊदी अरब जुलाई में अपने उत्पादन को 90 लाख बैरल प्रतिदिन से काम करने वाला है और इसके अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का विस्तार कर सकता है। जून 2021 के बाद से सऊदी अरब के लिए ये सबसे कम उत्पादन स्तर होगा। इससे पहले ओपेक प्लस के सदस्य देशों द्वारा उत्पादन में 2 बार कटौती की गई थी, लेकिन इससे तेल की गिरती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका था। As we have done in April, whereby the countries that had agreed to do the voluntary cuts have extended that voluntary cuts to end of 24, which is 1 million barrel of reduction for the start that starts at the 1st of July, and that million is also extendable. We as a cluster of 23 countries, we will do whatever it is necessary to bring stability to this market. और सूडान में हाल ही संघर्ष विराम समझौते की अवधि समाप्त होने के साथ ही खार्तूम में फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप सूडान के अशांत दारफूर क्षेत्र में संघर्ष में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। एक टेलीविजन फुटेज में विराम की अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को राजधानी के ऊपर काला धुआं देखा गया। राजधानी खार्तूम में लड़ाई के कारण बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई है और नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आई है और बिजली और पानी की कटौती समेत खाद्य आपूर्ति में कमी देखी गई। इसराइल ने रविवार को इजिप्ट से लगी अपने सुरक्षित सीमा पर गोलीबारी में मारे गए 3 सैनिकों को दफना दिया और मौतों की विस्तृत और गहन जांच की घोषणा की। वहीं इजिप्ट ने अपने सुरक्षा बलों के एक सदस्य पर नागेव रेगिस्तान में संघर्ष का आरोप लगाया है, जो ये कहते हुए मारा गया था कि जब वह इसराइली सैनिकों का सामना कर रहा था तब वह मादक पदार्थों की तस्करों की खोज में सीमा पार कर गया था। इसी के साथ इजिप्ट का कहना है कि वह इस घटना की जांच के लिए इसराइल के साथ काम कर रहा है। और वेनेजुएला में बाढ़ के कारण दक्षिणी इलाके में एक सोने की खदान ढह गई, जिसमें कम से कम 12 खनिक मारे गए हैं। वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में एल कैलाओ में स्थित तालावेरा खदान में बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, लेकिन बचावकर्मी शनिवार से पहले तक बचाव कार्य पूरा नहीं कर सके। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 112 लोगों को बचा लिया गया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शक्तिशाली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी पर खुलेआम उनकी राजनीतिक पार्टी को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें एक सैन्य अदालत में पेश किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इमरान खान ने पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर कार्रवाई में सेना के साथ होने का और सेना का हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन शनिवार की रात अपने लाहौर स्थित घर में एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी अब तक की सबसे स्पष्ट टिप्पणी मानी जा रही है। सेना के प्रवक्ता ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। कहते हैं कि कृषि को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो किसान दोगुना लाभ कमा सकते हैं। इसी की एक बानगी इन दिनों तेलंगाना में देखने को मिल रही है। यहां किसान प्रौद्योगिकी को अपनाकर उन्नत खेती कर रहे हैं। कहते हैं कृषि को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो किसान दोगुना लाभ कमा सकते हैं। इसी की एक बानगी इन दिनों तेलंगाना में देखने को मिल रही है। यहाँ किसान टेक्नोलॉजी को अपनाकर उन्नत खेती कर रहे हैं। ये हैं तेलंगाना के विकाराबाद जिले के किसान, जो कीटनाशक छिड़काव के संचालन के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ड्रोन कृषि को लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं, विशेष रूप से कीटनाशक छिड़काव के संचालन के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। दरअसल खेती में मजदूरों की कमी की समस्या किसानों को लगातार परेशान कर रही है। किसानों को कभी कभी फसलों पर समय पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए श्रम शक्ति प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे फसल की उपज प्रभावित होती है। फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्रोन छिड़काव के लिए प्रति एकड़ केवल 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मानव श्रम से एक दिन में केवल 2 से 3 एकड़ भूमि पर ही कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि यदि मानव श्रम के स्थान पर ड्रोन का उपयोग किया जाता है तो स्प्रे करने के लिए 15 से 20 मिनट। कीटनाशक का छिड़काव एक समान मात्रा में और एक समान ऊंचाई पर किया जा सकता है। खेती की लागत कम हो जाती है और लाभ ड्रोन के उपयोग से बढ़ जाता है। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किसानों के लिए आसान है, क्योंकि कृषि श्रमिकों की कमी है। हमने किसानों को छिड़काव के संचालन के लिए ड्रोन में रोपिंग के फायदों के बारे में समझाया है। वे उन क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी हैं जहां वर्षा का पानी कम है। मैंने इसके संचालकों की मदद से ड्रोन का उपयोग अरहर केसर की फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किया है। मैं केवल एक दिन में छिड़काव पूरा कर पाया और यह लागत प्रभावी हुई है। कृषि और किसान तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, और इस दिशा में तेलंगाना के किसानों के प्रयास सराहनीय हैं और काबिले गौर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं नोवाक जोकोविच की। जी हां, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल वेरिलस को हराने में सफलता पाई। जोकोविच को अंतिम आठ में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने मुकाबले को सीधे सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से अपने नाम किया। इसी के साथ जोकोविच ने राफेल नडाल के 16 बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पुरुष शक्ल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया है। अल्कराज ने इटली के लोरेंजो मुसेटी को सीधे सेट में शिकस्त दी। ग्रीस के स्टेफनानोस सिपास भी अंतिम आठ में पहुंचने में सफल रहे। सिटसिपास ने चौथे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन आफनर को आसान मुकाबले में 7-5, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आयरना सबालेंका ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सबालेंका ने अमेरिका की स्लोवेन स्टीफन्स को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। और इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर, समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने किया राजकीय स्वागत। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के विज्ञान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है भारत, पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की योजनाओं का किया जिक्र। उड़ीसा के बालासोर में रेल हादसे के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा बहाल, सवारियों को लेकर निकली कोरोमंडल एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने कहा अभी खत्म नहीं हुई है जिम्मेदारी। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विपक्षी वार्ता में नए रक्षा इनोवेशन और औद्योगिक सहयोग समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा। तेल की गिरती कीमतों पर नियंत्रण के लिए उत्पादन में कमी करेगा सऊदी अरब, जुलाई से रोज 10 लाख बैरल तेल की कटौती का फैसला। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा, कार्लोस अल्कराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका उद्देश्य है जनजीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सभी को जागरूक करना। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। एकल उपयोग या डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना है। पूरे संसार में इसका समाधान किस तरह का हो, कैसा हो, क्या हमारी दिनचर्या जो एक डे टू डे की एक्टिविटी है उसको चेंज करें या कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। आप देखेंगे कि दुनिया भर में हर साल करीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है, और आप सोचें कि उसका 10 से 20% भाग भी अगर हमारे पर्यावरण में आ जाए और वो छोटे छोटे सूक्ष्म कण की तरह हमारे शरीर में जाए, चाहे वो हवा के माध्यम से जाए, चाहे पानी के माध्यम से जाए, हेल्थ को, उसके शरीर को बहुत एक हानिकारक हानि पहुंचाता है। दुनिया भर में हर मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं, जबकि दुनिया भर में हर साल 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर उत्पादित प्लास्टिक का आधा एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है, केवल एक बार उपयोग किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। उपभोक्ता प्लास्टिक का 10% एकल उपयोग होता है और मानव जनित कचरे का 10% प्लास्टिक होता है। सरकार अब की बार इस साल जो पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं वो लाइफ मिशन को लेके मनाया जा रहा है। अपने रिसोर्स को इस तरह से यूज करें कि उसका पर्यावरण पे कम उसका इम्पैक्ट हो। जैसे मान लो कि अननेसेसरी हम बिजली का उपयोग ना करें, छोटी छोटे डिस्टेंस के लिए हम साइकिल का यूज कर सकते हैं, या खरीदारी के लिए हम प्लास्टिक बैग की जगह हम अपने कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको प्लास्टिक का के प्रदूषण का समाधान भी मिलेगा और पर्यावरण को बचाने का तरीका भी मिलेगा।
सभी को एक साथ आने और स्थायी विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक को कहें ना, पर्यावरण बचाएं, स्वास्थ्य बचाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।